हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवी ब्यूटी ब्लॉगर। गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर एंड ऑल्सो माई फेवरेट। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये प्रोडक्ट। जितने भी मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ ये मैं खुद परचेस करती हूँ, खुद से आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। सो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आया है। सो आप भी मंगवा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल होगा। अगर आप भी परचेस करना चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके आप भी इसको परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया था। सो आप देख सकते हैं इसमें बिल होता है और इसके साथ ही ये हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्लीन जो प्रोडक्ट है ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। इसके और भी रिव्यूज़ मैंने दिए हैं पीछे की वीडियोज़ में, आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आईलाइनर एंड ऑल। सो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये मैट फिनिश देता है, ओपन पोर्स को क्लोज करके उसमें मैट सेट हो जाता है अच्छे से। और सबसे ख़ास बात, इसमें SPF 28 है विच इज़ रियली गुड। तो इसे हम धूप में लगा कर अगर निकलते हैं तो हमें सन टैन नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका। और ये 12 घंटे यानी कि 12 आवर्स तक ऑयल कंट्रोल करता है। अक्सर आपने देखा होगा हमारी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, सो ये उसे भी कंट्रोल करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर आपके लिए परफेक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इसका शेड जो है वो 109 लाइट आइवरी है, ये मेरा शेड है। इसमें 3 शेड आपको मिल जाएंगे आप जब चेक करेंगे। इसका जो प्राइस है वो 1999 रुपीज़ है और मुझे ये ऑफ़र में मिला था, तो 139 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया। क्योंकि डिस्काउंट रहता है तो आप चेक करेंगे तो मे बी आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका नेट वेट जो है वो 8 ग्राम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि ये ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन टोन में अच्छे से फिट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ फेस पे अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही नेचुरल लुक देता है, आपको सन टैन से बचाता है, आपकी स्किन टोन के जैसा ही होता है, तो स्किन में कुछ भी ऐसे हाइलाइटेड नहीं रहता है, बहुत ही ईजिली ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है जिससे कि हमें स्वेट नहीं होता है, ऑयली नहीं होता है। जैसे नोज़ के आसपास आपने देखा होगा बहुत ऑयल हो जाता है, जिस वजह से हमारा चेहरा बहुत पैची लगता है जब भी हम मेकअप करते हैं, तो वो बहुत ऑयली ऑयली सा फील देता है। सो ये उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ऑयल कंट्रोल कर देता है ये फेस पे अप्लाई करने के बाद। सो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर में होगा, बहुत ही क्यूट सा। और इसे आप ट्रैवल फ्रेंडली है, आप अपने साथ इसे कैरी भी कर सकते हैं। डिटेल सेम इसमें भी मेंशन है, जो इस जैसे कि आपने अभी देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी। साथ की तरफ एक छोटा सा मिरर भी दिया हुआ है जिससे कि आप कहीं भी जाते हैं तो टचअप कर सकते हैं इसके साथ। और ये एप्लीकेटर है, ये भी आप इसके साथ कॉम्पैक्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक कवर दिया हुआ है जिससे कि ये बहुत बेस्ट रहेगा कि इसमें एक्सेस जो कॉम्पैक्ट है वो नहीं लगेगा एप्लीकेटर में। सो ये भी बहुत अच्छा है इसमें अवेलेबल। और जो है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, तो मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना नॉर्मल लुक देता है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ लगाया है और कितनी जल्दी ऑब्जर्व हो गया है हमारी स्किन में। सो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर में रहता है कि मेरे फेस पे जो नोज़ के आसपास है स्टिकीनेस दिखाई दे रही है, ऑयली लग रहा है, अपर लिप के एरिया को देख सकते हैं, लिप्स के अराउंड जो एरिया है वो ऑयली ऑयली फील हो। अप्लाई करके दिखाऊंगी कि ये कितनी जल्दी ऑयल को कंट्रोल कर देता है और अच्छे से सेट हो जाता है फेस पे। यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे ब्रश के साथ ज़्यादा अच्छा कंफर्ट लगता है, और ब्रश के साथ ही आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई भी करना चाहिए बिकॉज जो एप्लीकेटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है जो कि फेस पे हाईलाइट होता है। सो जब भी आप कॉम्पैक्ट अप्लाई करें ब्रश के साथ ही करें। सो अभी मैं अपने पूरे फेस पे इसको कॉम्पैक्ट को सेट कर रही हूँ, उसके बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ऑयली जो पहले जो फेस ऑयली लग रहा था वो अभी नहीं लग रहा है, और ये बहुत अच्छे से एक नेचुरल लुक दे देता है और सारे ऑयल को हटा देता है, ओपन पोर्स को क्लोज कर देता है और बहुत अच्छे से सेट हो जाता है हमारे फेस पे।
तो अभी आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है और जितना भी ऑयल आपको दिखाई दे रहा था फेस पे वो सारा हट चुका है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ले सकते हैं। तो अभी आप लुक देख सकते हैं मेरा, और कमेंट में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा और आगे आप किस तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। सो मैं उसी तरह से आपके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँगी, और आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।